भारत की प्रगति में निरंतर योगदान देते पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रमुख असम, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य। असम से पंचायतों के सफल प्रयासों की कुछ प्रेरणात्मक कहानियां उभर कर आई हैं। ऐसी ही एक कहानी है कामरूप मेट्रो जिले के दिमोरिया आंचलिक पंचायत की, जो हर पंचायत के लिए एक विशिष्ट उदाहरण है। 143,000 से ज्यादा की आबादी वाली इस पंचायत में कुल 140 गांव हैं, जो कि 12 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत बटे हुए हैं। सन 2015-16 में इन ग्राम पंचायतों की ओर से यह सुझाव आया कि यहां के युवाओं में साक्षरता और शिक्षा के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस तरह शुरुआत हुई दिमोरिया की पंचायत से कुछ दूरी पर स्थित खेत्री में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। नमस्कार, मेरा नाम प्रणिता बौरो है। मैं खेत्री के पास एक गांव से आई हूं, जिसका नाम भोर गांव है। मैंने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद मैं घर पर बेकार बैठी रहती थी। खेत्री जिला पंचायत के तहत हमें मुफ्त कंप्यूटर कोर्स मिले, जिसके माध्यम से हम बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा सीखते हैं। इसके साथ ही हमने इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल आईडी खोलने के बारे में भी सीखा। 143,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में, जहां 67% से ज्यादा साक्षरता है, वहीं बेरोजगारी एक गहरी समस्या रही है और लगभग 83,000 यानी कि कुल आबादी के 58% लोग बेरोजगार हैं। इनमें 52,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। इस आबादी का एक प्रमुख हिस्सा युवा है और क्षेत्र के इन युवाओं के शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारी एक अहम समस्या थी, जिसकी प्रमुख वजह थी इनका कंप्यूटर प्रशिक्षित न होना। कंप्यूटर साक्षरता की कमी के कारण इन युवाओं को रोजगार पाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और आर्थिक तंगी के चलते ये युवा कहीं से कंप्यूटर कोर्स करने में भी असमर्थ थे। इस समस्या का समाधान पाने के लिए पंचायत ने यहाँ के युवाओं को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने का एक सकारात्मक कदम उठाया। हमारे गांव खेत्री की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसकी वजह से हम कंप्यूटर की शिक्षा नहीं पा सकते थे, ना ही बच्चों को दे सकते थे। लेकिन पंचायत की तरफ से चलाए गए इस केंद्र से हम कंप्यूटर की शिक्षा ले पाए। हमें अब पता है कि इसको कैसे चलाते हैं और इसके क्या फंक्शंस हैं। अब हमें इसको चलाना अच्छी तरह से आ गया है और इंटरनेट के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। केंद्र की शुरुआत करना पंचायत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए एक उचित जगह और काफी सारी धनराशि की जरूरत थी। लेकिन अपने संकल्प के चलते इन्होंने अलग अलग विभागों के सहयोग से इस कठिन कार्य को पूरा कर ही लिया। सिंचाई विभाग की एक पुरानी बिल्डिंग का इस कार्य के लिए प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पंचायत ने एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत केंद्र को स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए। 14वें वित्त आयोग यानी 14th फाइनेंस कमीशन के तहत उपलब्ध कंटिंजेंसी फंड का प्रयोग केंद्र के निर्माण में किया गया। इसके बाद अगली चुनौती थी इस केंद्र में लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स लाए जाने की। इस चुनौती को पार पाने के लिए SIRPD की मदद ली गई, जिन्होंने इस योजना का महत्व समझते हुए न ही केवल कंप्यूटर्स के लिए बल्कि शिक्षकों के वेतन के लिए भी फंड उपलब्ध कराए। फिर जब एक बार यह कंप्यूटर केंद्र शुरू हुआ तो क्षेत्र के विभिन्न गांवों से युवाओं ने यहां आकर प्रशिक्षण लिया। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल थे। 10वीं कक्षा पास कर चुका कोई भी छात्र केंद्र में 3 महीने का कोर्स करने के पश्चात एक सर्टिफिकेट पा सकता है, जिससे कि उन्हें रोजगार पाने में आसानी होगी। अब तक इस केंद्र से 30 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाया गया है। इनमें कई छात्रों ने गुवाहाटी जाकर नौकरियां भी पाई हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, हमारे केंद्र से निकल चुके छात्रों ने अब गुवाहाटी जैसे शहरों में छोटी नौकरियां ले ली हैं। उनमें से कुछ ने कॉल सेंटर्स में भी नौकरियां ली हैं। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारी पंचायत में डिजिटल साक्षरता केंद्र की आवश्यकता का समय से एहसास हुआ। केंद्र से केवल युवाओं का ही नहीं और भी लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। कंप्यूटर प्रशिक्षित होने से यहां के स्थानीय कर्मचारियों को भी अपना काम ऑनलाइन करने में आसानी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम मनुमति बैशा काकोटी है। मैं खेत्री सनोबर गांव से हूं और एक आंगनवाड़ी वर्कर हूं। हमें डिपार्टमेंट से आदेश मिला कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि हमें अपने डिपार्टमेंट्स में हर काम की जानकारी ऑनलाइन देनी होती है। इसलिए हमें 3 महीने का कोर्स करना था। इस कोर्स से हमें बहुत मदद मिली, क्योंकि कभी भी हमें हमारे सीनियर्स ऑनलाइन रिपोर्ट्स भेजने को कहते थे। इस कोर्स से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा। आजकल के दौर में हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, हमें आगे देखना होगा। इसलिए हम ये कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं।
और तो और यहाँ के किसानों को भी कंप्यूटर प्रशिक्षण से खेती किसानी में कई लाभ हुए हैं। पंचायत के इस निर्णय की वजह से यहाँ के निवासियों के लिए उन्नति और खुशहाली के कई नए द्वार खुले हैं। कामरूप जिले की दिमोरिया आंचलिक पंचायत ने तेजी से डिजिटल हो रहे भारत से खुद को जोड़ा है। यह पंचायत इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक डिजिटल भारत का सपना देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक है और आने वाले समय में अत्यंत प्रभावी साबित होगा।